देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से ऑटो इंडस्ट्री को सिर्फ BS6 इंजन बेचने के आदेश दिए हैं। लेकिन देश की गिरती अर्थव्यवस्था और घटती बिक्री ऑटो सेक्टर के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसके अलावा चीन में फैले कोरोना वायरस के कहर ने ऑटो सेक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इसके असर से भारतीय ऑटो कंपनियों के उत्पादन और बिक्री में कमी आनी शुरू हो गई है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और MG मोटर्स इंडिया जैसी ऑटो कंपनियों के मुताबिक चीन से ऑटो पार्ट्स की सप्लाई घटने से अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस दिक्कत के बीच फरवरी में कार कंपनियों की बिक्री नेगेटिव जोन में बरकरार रही है। इन हालातों में ऑटो कंपनियों के लिए कम लागत में सस्ती कारें बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच खबर आई है कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी 5 लाख रुपए से कम कीमत के 2 कार मॉडल तैयार कर रही है। इससे कंपनी एंट्री लेवल सेगमेंट में अपनी पैठ बनाएगी, जहां नए सेफ्टी और एमिशन रेगुलेशंस की वजह से कंपटीशन घटता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी 800 सीसी की एक नई कार तैयार कर रही है। इसके साथ ही 1 लीटर इंजन वाले एक दूसरे मॉडल को भी डेवलप किया जा रहा है। अभी भारत में जापान की सुजुकी मोटर की ये भारतीय इकाई 800 सीसी इंजन वाली ऑल्टो और 1 लीटर इंजन वाली सिलेरियो बेचती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों नई कारें साल 2020 के आखिर तक बाजार में उतरेंगी। नई 800 सीसी कार का कोड नेम Y0M रखा गया है। इस कार को साल 2021 के फेस्टिव सीजन तक लॉन्च किया जाएगा। छोटी कारों को डेवलप करने में सबसे बड़ी चुनौती लागत कम रखने की होती है। इसकी वजह सेफ्टी और एमिशन के नए नियम है। इनकी वजह से एंट्री लेवल की कारों की लागत 10% तक बढ़ जाती है। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ऐसे समय में सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है, जब हुंडई मोटर्स इंडिया और टाटा मोटर्स ने इस सेगमेंट को अलविदा कह दिया है। अब देखना ये होगा कि मारुति सुजुकी की ये नई कारें बाजार में अपनी जगह बना पाती हैं या नहीं।